यूपीएससी 12वीं दी परीक्षा दी उड़ीक कर रहे विद्यार्थियों दी उड़ीक आखिरकार खत्म हो गई है। दरअसल 10वीं दी तरह 12वीं दी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी मीटिंग तो बाद ए फैसला लिया है, जिसकी पंजाब दे शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला ने तारीफ की है ते इस फैसले दी शलांघा की है। इत्थे ही बस नहीं, इस दे नाल ही शिक्षा मंत्री ने केंद्र दी सरकार उत्ते कई सवाल भी चुके ने। की कहा पंजाब दे शिक्षा मंत्री ने, तुसी भी सुनो। सरकार वालों 12वीं दे एग्जाम्स नूं जो कैंसल किया गया है, ये बच्चों की सेफ्टी ते सिक्योरिटी नूं देखते हुए एक सही दिशा दे विच कदम है। हमेशा भारत सरकार ने जो भी कोई फैसला किया है, चाहे कदे GST का किया, चाहे डीमोनिटाइजेशन का किया, कदे भी उस दे उपर कदे प्लैन अनवील नहीं किया। अज बच्चों वास्ते भी कोई प्लैन अनवील नहीं किया और ये कह दिता कि आने वाले 4-5 दिनों दे विच असी प्लैन करांगे। सानू सब नूं पता है कि जिहड़े स्टेट बोर्ड्स हुंदे आ उह भी सेंट्रल बोर्ड दे वल देखदे आ, CBSE वल देखदे आ कि असी अपना अपना की फैसला करना है। तो इस गल नूं देखदे हुए मैं इमीजिएटली डिमांड करदा आ भारत सरकार तों कि वह इमीजिएटली स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग कॉल करन, साडे नाल वार्तालाप करन, तां कि बच्चों का भविख ते बच्चों दे नाल जुड़े हुए उन्हां दा जिहड़ा फ्यूचर है, उन्हां दा करियर ओरिएंटेड ईयरस है, उन्हां दा नुकसान ना होवे और एक सही फैसला हो के बच्चों दे हित विच सारे सामने आ सके। भवानीगढ़ तो ब्यूरो रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।